नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, RPF के टेस्ट चल रहे हैं और लगातार मैं आप लोगों के लिए अपडेट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस वीडियो का जो है 34 पार्ट है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो है 19 अगस्त आज है और आज ही के भाई से बात हुई है। उनका ऐसा कहना है कि RPF के टेस्ट में लेन देन चल रहा है, ऐसा उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, तत्काल इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अपने साथ जुड़ सकें। जितने भी आप लोगों के पास RPF के ग्रुप हैं, उनमें ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, इनसे कुछ छोटी छोटी बातें पूछी गई हैं, तो इनका वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सभी से मेरा एक ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इस भाई की आवाज़ दूर दूर तक पहुंचना चाहिए, जहां तक इसको पहुंचना है वहां तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। हम लोगों का जीवन जो है खतरे में है यदि ऐसा हो रहा है तो। यदि नहीं हो रहा है तो आप लोग तसल्ली से अपना ट्रेड टेस्ट दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा, RPF ट्रेड टेस्ट नाम से नीचे जो मैंने चैनल बनाया है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे से जो कोई भी अपडेट होगा RPF का उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। जल्द से जल्द ऐसी कोशिश की जा रही है, 1 तारीख से ऐसा हमने डिसाइड किया है, क्योंकि हमारी जो ये MCG अकेडमी है, इस पर हमारी जो अकेडमी क्लासेस जो है चालू होने वाली हैं, तो RPF के कारण ये व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से जो है आप लोगों के लिए जल्द से जल्द उसी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो इन भाई का एक्सपीरियंस वीडियो पूरा अंत तक ध्यान से सुनिएगा। ओके, नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल बात कर रहा हूँ सर। सर, आपका ट्रेड टेस्ट हो गया सर? मेरा टेस्ट हो गया और मेरा आज ही था। आज मतलब किस दिनांक में था सर आपका, एक बार क्लियर कीजिए सर। क्या हुआ? आपका किस डेट में था, मतलब डेट बताइए सर, किस डेट में था? मेरा आज 19 तारीख को था। मेरा 19 अगस्त ना? जी, 19/8/2019 आज की डेट में मेरा था। हाँ सर, बताइएगा सर, मतलब सर आप किस प्रकार से वहाँ पहुँचे, कैसे क्या आना जाना हुआ और किस प्रकार से उनका बिहेवियर, क्या क्या ले आना ले जाना है, हर चीज़ मतलब डिटेल में बताइए, जिससे आपके भाई लोगों को परेशानी ना आए। एक्चुअली क्या, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ से सर? गोरखपुर? जी, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। हाँ सर। तो वहाँ से मैं वैशाली से मैं आया था नई दिल्ली। हाँ सर। नई दिल्ली मैं आया, उसके बाद से मैं तो एक दिन मतलब बिफोर आ गया था। तो मैं मतलब जो भी टाइम मेरा बचा तो मैं थोड़ा रेस्ट किया था उस टाइम तक। फिर उसके बाद से मैंने नई दिल्ली से मैं वहां से सीधे गया सराय रोहिल्ला स्टेशन। कैसे मतलब किस चीज के द्वारा गए सर आप, मतलब क्या साधन लिया आपने? आप या तो वहां से बस कर सकते हैं या तो बाई ट्रेन आप निकल सकते हैं। मैं तो वैसे बस किया था। तो कितना क्या पैसा लेते हैं सर वो? वो ऐसे बस वाले तो 15 रुपया लेते हैं सर। अब वो कहाँ छोड़ते हैं सर, मेन दिल्ली स्टेशन से कहाँ छोड़ते हैं? सराय रोहिल्ला? वो सराय रोहिल्ला छोड़ देते हैं और सराय रोहिल्ला से आपका मुश्किल से 500 मीटर पे होगा जो 6 बटालियन RPF वाला है। हाँ, तो वहां से 500 मीटर की दूरी पे है। लेकिन अगर आप लोग मतलब जो भी हो, हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर वो जाना चाहते हैं, अगर ऑटो वाले हैं तो ऑटो वाले 100-200 रुपया ऐसे करके मतलब डिमांड करते हैं। तो ऑटो से नहीं जाना है मतलब? ऑटो से नहीं जाना है, क्योंकि ऑटो वाले ये समझ रहे हैं ना कि जितने भी यहाँ पे आए हैं लोग तो मतलब बाहर के ही हैं, तो उनसे 100-200 रुपया मतलब जो भी लेना हो ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अपन सर ऐसा होने नहीं देंगे ना, इसीलिए तो अपन ये सब कुछ कर रहे हैं। जी। हाँ सर, बोलते रहिए सर। तो वहां से जब आप यहाँ क्या नाम है, यहाँ जब हम पहुंचे वो RPF कैंप में। हाँ सर। तो वहाँ मैं 4 बजे में पहुंच गया था। हाँ सर। तो उसके बाद से आज एंट्री जो कराए तो 8:30 बजे समथिंग एंट्री हुआ है। हाँ सर। उसके बाद से एंट्री होने के बाद से 20-20 लोगों को एक बैच में ले रहे हैं। 20-20 लोगों को एक बैच में? जी, 20-20 लोगों को एक बैच में ले रहे हैं। और उसके बाद से मतलब ये है कि आज का जो टाइमिंग था पहले की अपेक्षा, मतलब लोग वहाँ पे हम और लोगों से मैं इन्फॉर्मेशन लिया कि रोज की अपेक्षा आज कुछ ज्यादा ही टाइमिंग मतलब देना पड़ा हमें। मतलब ज्यादा टाइम तक आपका ट्रेड टेस्ट चला, ऐसा बोलना चाहते हो आप? हाँ सर, वही से। तो वहाँ से हम लोग गए, तो उसके बाद से क्या हुआ, हम लोग का बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक में क्या क्या करवाया सर उन लोगों ने? क्या हुआ सर? बायोमेट्रिक में क्या क्या करवाया सर उन्होंने? बायोमेट्रिक में आपका फिंगरप्रिंट हुआ। हाँ सर। और उसके बाद से आपका सिग्नेचर हुआ। हाँ सर। उसके बाद से आपका फोटो मतलब उस पे फोटो आपका चेक हुआ। हाँ सर। बस इतना हुआ बायोमेट्रिक में। फिर मतलब दो जगह हुआ था, एक जगह तो आपका कंप्यूटर बेस पे हुआ था। हाँ सर।
और दूसरी जगह आपका मतलब ऑफलाइन था, वो वहां पे बस देख के वो अपना चेक कर ले रहे थे कि मतलब क्या मतलब बंदा सही है या फिर गलत है। और ऐसे दो बच्चे और भी आए थे गेट पे जो मतलब दूसरे की जगह पे आए थे यहाँ पे टेस्ट देने। टेट टेस्ट देने के लिए बाहर से आए हुए थे मतलब। हाँ बाहर से आए हुए थे, तो यहाँ पे मतलब आरपीएसएफ वाले जो थे उन्होंने मतलब उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद से आधे घंटे तक बैठा रहे। हम लोग तो देखे नहीं कि उसके बाद से क्या हुआ, हम लोग अंदर चले गए। मतलब वो बंदे बाहर के कैसे, मतलब समझाइए थोड़ा, मतलब समझ नहीं आया। एक्चुअली क्या है कि वो लोग क्या किए थे, फोटो स्कैन करा लिए थे अपना, हाँ और नाम था किसी और का, और ये लोग फोटो स्कैन करके और आधार कार्ड पे भी अपना फोटो डलवा दिए थे। जी मतलब कोई 2 नंबर में आ गए थे। हाँ जी 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 हाँ लेकिन क्या हुआ कि उसपे वो फादर नेम पूछे, तो फादर नेम में ये लोग टाइम लगा दिए बोलने में, दो हाँ बंदे थे हाँ तो जब टाइम लगा दिए तो उसके बाद से उन लोग को कुछ डाउट हुआ होगा। डाउट होने के साथ साथ वो अंदर लेके गए और इन लोग का बायोमेट्रिक कराए। बायोमेट्रिक कराने के बाद पता चला कि इन लोग का था ही नहीं, ये दूसरे की जगह पे आए थे टेस्ट देने। हाँ तो सर यही था, उसके बाद से हम लोग चले गए अंदर। उन लोगों का क्या हुआ पता नहीं है सर आपको कुछ? नहीं, पता, क्योंकि हम लोग अंदर चले गए, बाकी ये लोग तो गेट पे ही थे। और हाँ जब हम लोग अंदर गए तो तकरीबन 1-2 घंटे तक हम लोग को बैठाया गया था। 20-20 लोगों की अलग अलग ग्रुपों में ना सर? हाँ 20-30 लोगों का। हाँ सर। हाँ उसके बाद से बैठाया गया, फिर हम लोगों को लेके गया टेस्ट में। हाँ सर। तो टेस्ट में एक बार में 10 बंदे जा रहे थे अंदर, हाँ सर। लेकिन हम बताना ये चाहेंगे कि जो टेस्ट हुआ है तो हाँ सर। टेस्ट में बस जब हम लोग अंदर गए, 10 लड़के थे हम लोग साथ में, तो 10-10 के मतलब से वहाँ पहले सर 20-20 जी का 20-20 का ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद 10-10 के रूप से अंदर ले आ रहे थे। हाँ जैसे वो नहीं नहीं सर, वो 20 लोगों को लेके गए थे, ऊपर ऊपर हो रहा था, तो थर्ड हाँ फ्लोर पे हो रहा था। हाँ तो वहां पे क्या हुआ कि दरवाजे के बाहर 10 लोग खड़े थे, बाकी 10 लोग अंदर गए हम लोग। हाँ तो हम पहले ही मतलब बैच में चले गए, 10 लोगों के साथ में हम चले गए, क्योंकि 10वें नंबर पे थे हम। हाँ अंदर गए तो वहां पे मेरे ख्याल से आरपी या आरपीएसएफ के डीआईजी थे, क्योंकि वो डीआईजी ही थे, दो थे, दो ऑफिसर थे और एक और इंस्पेक्टर थे, वही लोग मतलब उसका टेस्ट ले रहे थे। तो ऑफिसर लोग थे मतलब। जी सर, हाँ। तो वहां पे मतलब टेस्ट में, क्योंकि मैं सुपर में डाला था, तो वहां पे आपका फिनाइल रखा हुआ था, और फिर फिनाइल की गोली रखा हुआ था, और ये जो कूलिन होता है कूलिन रखा हुआ था, और उसके बाद से आपका एक आला होता है जो कपड़ा मतलब दाग को हटाया जाता है, आला आला रखा हुआ था, फिर उसके बाद से ब्रश रखा हुआ था, स्क्रबर रखा हुआ था, और फिनाइल था, और झाड़ू रखा हुआ था, एक फूल वाला झाड़ू था, एक हाथ वाला जो झाड़ू होता है। हाँ दो झाड़ू यहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन जब हम लोग गए तो हम लोगों से उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस ये पूछे कि आप लोग मतलब इसके पहले कहाँ, मतलब आप लोग का क्या एक्सपीरियंस, कहाँ आप लोग दिए थे। हाँ सभी लोगों से यही पूछा सर। सभी लोगों से यही पूछे कि आप लोग मतलब टेस्ट जो आप देने आए हैं, आपको इन सब चीजों के बारे में पता है। तो हम लोग कहे हाँ सर पता है। तो पूछे कि मतलब आप लोग इससे पहले कहाँ काम किए थे, तो सारे बंदे बताए घर पे काम किए थे। एक लड़का कहा कि मैं होटल में काम किया था। हमसे पूछे, मैंने कहा कि सर मैं पीजी कॉलेज में काम काम किया हूँ स्वीपर का 2.5 साल तक। तो उसके बाद से कह रहे हैं ठीक है, तो जो होटल वाला लड़का था तो उससे उन्होंने कहा कि अगर आपने होटल में काम किया है तो आपको सोफा जो होता है सोफा साफ करने तो आपको आता ही होगा। तो कहा कि हाँ सर बिल्कुल आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो सोफा साफ करके हमें दिखाओ। तो गया वहां पे और कंफ्यूज हो गया कि हमें मतलब क्या चीज उठाना है, सोफा साफ करने के लिए क्या उठाना है हमें, तो कंफ्यूज हो गया। तो ये जो दूसरे मतलब ऑफिसर थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सारे लोग लाइन में लग जाओ और पांच पांच करके झाड़ू उठा लो। झाड़ू उठा के जो फर्श रखा हो मतलब फर्श था, तो फर्श पे आप लोग झाड़ू लगा लीजिए। हमने कहा ठीक है। तो पांच में से मतलब हम थे, पांचवे में हम भी थे, हम लोग झाड़ू लगाए, और फिर जो पांच बंदे बचे थे उन्होंने भी झाड़ू लगाया। हाँ झाड़ू लगाने के बाद से उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, फिनाइल किस काम में आता है। जो मतलब लास्ट वाले में लड़का था उससे पूछा कि फिनाइल वाले में मतलब फिनाइल किस काम में आता है।
तो कहा टॉयलेट मतलब साफ करने के लिए, तो कह रहे हैं वो तो सही है टॉयलेट साफ करने के लिए, तो हम तो डिटर्जेंट पाउडर से भी साफ कर सकते हैं या फिर वैसे बर्फ मार के साफ कर सकते हैं, लेकिन सर मतलब दोबारा बताइए सर, फिनाइल का मतलब क्या हुआ सर? जैसे जो वहां पे थे उन्होंने कहा जब हम लोग झाड़ू लगा लिए, 10 थे 10 में सारे लोग झाड़ू लगा लिए, हाँ सर, तो उन्होंने कहा एक बात बताइए कि फिनाइल किस काम में आता है। तो जो लास्ट वाला लड़का था तो उसने कहा कि टॉयलेट को साफ करने के लिए ये काम में आता है, तो उन्होंने कहा कि टॉयलेट साफ करने के लिए तो डिटर्जेंट पाउडर से भी हम साफ कर सकते हैं, अन्यथा हम बर्फ से भी साफ कर सकते हैं। तो इसका जो मतलब मुख्य जो इसका काम है वो क्या है? तो अब लड़का कंफ्यूज हो गया, तो हम कहें कि सर हम बताएं, तो कह रहा है नहीं नहीं आप मत बताइए, हम जिससे क्वेश्चन करें वही आंसर दें हमें। हम कहें ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि काम करिए आप लोग जाइए, हम लोग चले गए बाहर बैठ गए, आधे घंटे तक वेट किए। वेट करने के बाद से उन्होंने आधे घंटे के बाद उसका लेके आया जो उसका रिजल्ट होता है और लेके आए पन्ने पे। 20-20 लोगों में हल्के हल्के रिजल्ट बता रहे थे सर। हाँ 20 लोग थे, तो 20 लोग चूंकि 10 में हम थे और 10 लोग फिर मेरे पीछे ही थे, जैसे मैं बाहर आया वैसे वो लोग भी अपना देखे आ गए बाहर। बाहर आने के बाद से जब हम लोग इकट्ठा हुए तो हम एक दूसरे से पूछे, मतलब जो 11वें नंबर से और 20वें नंबर के बीच वाले जो लड़के थे, तो मैं उनसे पूछा कि मतलब आप लोगों ने क्या, उन्होंने पूछा था, तो इन्होंने कहा कि वो लोग क्या किए थे, एक फिनाइल का बॉटल था, मतलब वो दिखने में फिनाइल जैसा ही था वो, क्योंकि जो मिनरल वाटर रहता उसके बॉटल में उन्होंने रखा था, व्हाइट व्हाइट था और फिनाइल के रूप में वो रखे थे। उन्होंने कहा बताओ ये क्या है, तो हम लोग कहे कि फिनाइल है, और बच्चों से पूछे साबुन रखा हुआ था, साबुन जैसा ही था। उन्होंने कहा ये क्या है, तो और बच्चे कोई बच्चे ये बताया कि फिटकरी है, तो कोई कहा कि नहीं सर साबुन है, तो कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और मतलब कि बाहर कर दिया उन लोगों को। तो सर जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मनन किया वहां पे, एक बंदे का 20 लोगों में से एक बंदे का, जिस बंदे से उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, जिस बंदे से उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं था, वो कोई जाट करके था और दिल्ली का ही रहने वाला है, हाँ सर, बस उसका सिलेक्शन हुआ। मैं तो पूरी गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना सर आपसे जरूर कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि अगर वो लोग अगर टेस्ट टेस्ट अगर अपना देना, मतलब उन लोग को अगर जब भी डेट उनका होगा जब भी देने जाएंगे अपना, तो एक बात का वो लोग ध्यान रखेंगे कि जब वो लोग अपना टेस्ट टेस्ट देंगे, तो अगर मान लीजिए अगर झाड़ू लगवाने को कहते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं फिनाइल के बारे में पूछते हैं, तो वो लोग ये जरूर पूछ लेंगे कि सर सबसे पूछ लीजिए, एक से पूछने से क्या फायदा है, अगर आपको पूछना है तो सबसे पूछ लीजिए ना। तो अगर ऐसा अगर स्टूडेंट कहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि हमने ऐसा पूछा नहीं और हम झाड़ू अच्छे से भी लगाए थे सर, क्योंकि झाड़ू का प्रैक्टिस मैं अच्छे से किया था। झाड़ू जैसे लगाया जाता है कि चार उंगली जो होता है उससे मैंने झाड़ू को पकड़ा था और एक उंगली जो मेरा था मैं झाड़ू के ऊपर रखा था, और मैं बिल्कुल अच्छे से मतलब झाड़ू लगाया था, आराम आराम से लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसी बंदे का हुआ जो बंदा बताया नहीं था। मतलब अच्छा, जो बताया नहीं था उसी का हो गया? उसी का हो गया, बस एक बंदे का हुआ, क्योंकि मेरा बैच नंबर 11 था और मेरे सामने 9, 10 और 11 तीन लोगों का मतलब बैच था, तो 20-20 बच्चे थे, तो 60 बच्चे हुए। हाँ सर, जिसमें से 9 और 10 वाले बैच में एक भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं कराया गया। 9 और 10 वाले बैच में एक भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ? एक भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बस 11वें में एक बच्चे का हुआ। और जहां तक सर मेरा मानना है कि इसमें मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल उसी पे डिपेंड कर रहा है कि जिसका सेटिंग अच्छा हो उसी का ज्यादा चल रहा है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मनन किया इससे, क्योंकि वो लड़का हम लोग जब बाहर खड़े थे मॉर्निंग के टाइम में तो अंदर अलाउ नहीं था, किसी का एंट्री नहीं हो रहा था, ओनली स्टाफ जितने स्टाफ वाले थे वही अंदर जा रहे थे,
लेकिन मैंने देखा कि वो जो लड़का था वो एक आरपीएसएफ का जो कांस्टेबल था उससे वो बात कर रहा था, वो चेयर पे बैठ के अंदर बात कर रहा था, और वही लड़का हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, मतलब उसका सिलेक्शन हो गया और मेरे सामने हो गया, क्योंकि मैं आवाज भी उठाया वहां पे। वो कह हाँ। रहे हैं कि आप लोग को शर्म आना चाहिए, वो लोग कहे मतलब जितने 59 मतलब 59 बच्चे जितने बचे हाँ। 60 में से, उन्होंने कहा कि आप लोग को शर्म आना चाहिए, तो कोई बच्चा बोला नहीं। लेकिन मैंने कहा क्यों शर्म आए, हम लोग शर्म किस बात का करें, फिनाइल की जगह पे उन्होंने डिटॉल रख दिया था, क्योंकि सर आपको पता होगा कि डिटॉल को अगर आप पानी में डालेंगे तो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। उन्होंने क्या किया था, डिटॉल लिक्विड को क्या किया था, पानी में डाल के और बिल्कुल लिक्विड बना के बिल्कुल फिनाइल का रूप दे दिया था डिटॉल को, कंफ्यूज करने के लिए। यही तो चल रहा है इसमें, कोई बच्चा कहा कि डिटॉल सॉरी कोई बच्चा कहा कि फिनाइल है, कोई बच्चा कहा हमें नहीं पता है, बस दूर से दिखाए। यहाँ तक कि एक बच्चा कहा भी सर अगर आप कहिए तो हम पास से जाके चेक कर सकते हैं, तो कह रहे हैं नहीं नहीं यहीं से बताओ, यही था उसमें। और दूसरी बात ये है कि सर फिनाइल फिनाइल गए का सर, फिनाइल का डिटॉल बना दिया पानी मिलाकर। जी 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 जी, क्योंकि फिनाइल का जो उन्होंने रूप दिया था वो डिटॉल था, क्योंकि एक लड़का डिटॉल बताया था। हेलो, हाँ हाँ सर, हाँ एक लड़का डिटॉल बताया था, तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है। वो लड़का बाहर आ गया, क्योंकि मैं उससे पूछना भूल गया कि उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वहां पे मैंने पता किया कि वो डिटॉल ही था। डिटॉल को उन्होंने पानी में डाला और बिल्कुल व्हाइट कर दिया, और जो मिनरल वाटर का जो बॉटल होता है उसमें उन्होंने रखा था, न कि फिनाइल का जो आता है उसका अलग से जो डिब्बी आता उसमें नहीं उन्होंने रखा था। ऐसा मतलब कि टोटल ये है कि कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने फिनाइल को डिटॉल का रूप दे दिया था, फिनाइल को ड्रॉल बना दिया और पूछा फिर उसका सिलेक्शन हो गया। उन्होंने पूछा है क्या है, तो बच्चे कहे फिनाइल है, जो कि सेकंड वाले में उन्होंने पूछा। हम लोगों से तो झाड़ू लगवाए, हम लोग झाड़ू भी अच्छे से लगाए थे, दो तीन लड़के उसमें से अच्छे लगाए थे, लेकिन दो तीन लड़कों का उसमें से नहीं हुआ, जो लड़का कुछ बोला ही नहीं था, मेरे ख्याल से दिल्ली का ही था, उसी का सिलेक्शन हुआ 60 स्टूडेंट में से। तो यही है सर। मतलब सर ये कहने का सीधा सीधा तात्पर्य, धांधली चल रही है सर। धांधली सर बिल्कुल चल रही है, मैं 100 में 110% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम वहाँ पे अकेले हो गए, अगर मेरे साथ कोई और होता तो मैं आवाज उठाया होता, ये भी है, क्योंकि सर मैं आवाज उठाने में मैं इन सब चीजों में पीछे नहीं हटता, क्योंकि मान लीजिए हम लोग पहले तो रिटेन दिए, फिर मैं वो फिजिकल दिया था सिकंदराबाद में, वहां पे गए, फिर यहाँ पे मैं आया, हम लोग का पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया यहाँ पे आने के बाद से। और सबसे बड़ी चीज ये है सर, जब हम लोग अंदर गए थे तो उन्होंने किसी से नाम नहीं पूछा और किसी से रोल नंबर नहीं पूछा, लेकिन मैं ये अभी तक मैं मतलब मैं कंफ्यूज में हूँ कि उनको कैसे पता चल गया था कि ये लड़का अच्छा काम किया था, जबकि उनको रोल नंबर तक नहीं पता था, उनके पास बस ब्लैंक पेज था, उसी पे उन्होंने बनाया, और जो एक कॉन्स्टेबल था उसके पास डिटेल था, जब उन्होंने नाम नहीं पूछा रोल नंबर नहीं पूछा, बस 10 लोगों में से 5-5 लोगों से झाड़ू लगवा दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए। जाने के बाद से उनको कैसे पता चल गया था कि ये लड़का अच्छा झाड़ू लगाया था, और उसका नंबर सीक्वेंस नंबर क्या था, उसका नेम क्या था, आप खुद समझ सकते हैं। ये कहने का मतलब सीधा सीधा धांधलेवादी चल रही है। बिल्कुल चल रही है, क्योंकि अगर उन्होंने अगर ये पूछा होता कि आपका रोल नंबर क्या है और या फिर आपका नाम क्या है, और अगर लिस्ट के हिसाब से उन्होंने कहा होता तो समझ में आता, या फिर हम लोगों का फोटो होता, या फिर वहां पे चूंकि कैमरे के बारे में नहीं बताया, कैमरा तो लगा होगा, लेकिन उनको कैसे पता चल गया था कि ये लड़का इस लड़के का अच्छा काम था, मतलब ये टेस्ट में पास हो गया, उनको कैसे पता चला। वो तो बस डायरेक्ट एक वहां से कांस्टेबल आता था, बस ये बता देता था कि कौन पास है, बाकी लोग गो बैक हो जाएं, और जिनका हो गया वो अपना रुके, अपना डीबी करा के, और फिर जो होगा उसका प्रोसेस अपना करा के जाएंगे। मतलब वो तो आप कहना चाह रहे हो सीधे सीधे धांधलेबाजी चल रही है इसमें, बिल्कुल चल रही है। अगर बच्चे जितने भी मतलब बच्चे हैं जिनका टेस्ट वेस्ट अभी बाकी है, मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर वो लोग अगर जाए अपना टेस्ट कराने के लिए, तो वो लोग इस बात में मतलब इस बात का ध्यान रखें, अगर टेस्ट हो रहा है, अगर किसी एक से अगर वो पूछ रहे हैं, बाकी
नौ लोगों से अगर नहीं पूछ रहे हैं तो उन नौ लोगों का हक बनता है कि सर हमसे पूछिए, जो पूछना है आपको हम लोगों से पूछ लीजिए, किसी एक से पूछिए, आप सबको बाहर कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। और आप मतलब इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि 40 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें से आपका जनरल का 40% क्वालिफाई करना होगा, बाकी SC ST का सर हम बता नहीं पाएंगे। इसमें सर अगर ऐसे नंबर वाइज होता कि इनको इतना नंबर मिल रहा है, उनको इतना नंबर मिल रहा है, और फिर बाद में फाइनल बनाते मतलब रिटेन का और उसका टेस्ट का बना के कटाव निकालते, समझ में आता। डायरेक्ट डायरेक्ट सर इसमें डिसक्वालीफाई हो जा रहा है, तो बताइए इसका क्या मानना है। जो नोटिफिकेशन में था उसके ठीक अपोजिट हो रहा है इसमें काम। अगर उसमें नंबर मिलता तो हम लोग भी हैप्पी रहते, लेकिन क्या है इसमें कुछ नहीं है, बस डिसक्वालीफाइड, बस इसके लिए से सर, एक से दो, बस एक से दो, और बैच नंबर 7 में 3 लोगों को उठाए थे, बस यही था सर। इसके लिए अपन को सर और भी लोगों को इकट्ठा करना होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा सर, इसके लिए मैं ही कुछ करना पड़ेगा सर। आप अगर सर अगर आप चाहेंगे तो मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब हेल्पफुल अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए आप बना सकेंगे। हाँ मतलब सही, बच्चों को पहले से ही अलर्ट कर देंगे ना अपन, तो थोड़ा कुछ अच्छा रहेगा, समझ रहे हो। क्योंकि क्योंकि सर आपका जितना भी वीडियो था मैंने सब आपका वीडियो देख के मैं गया था, मैं टोटल A to Z मैं याद कर लिया था कि फिनाइल में क्या होता है, फिनाइल में मतलब क्या क्या होता है, फिर उसके बाद से वो आपका हार्पिक जो होता है उसमें क्या है, फिर क्लोरीन में क्या है, फिर ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, टोटल आपने बनाया था, मैं वीडियो में टोटल याद करके गया था कि उसमें R1, R2, R3, R4, R5, R6 मतलब जो भी है उसका क्या काम है, उस किस काम में आता है, सब मैं याद करके गया था सर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस इसमें वही है कि जिसका फिक्स है उसका फिक्स है, बाकी लोग का कोई मतलब नहीं है, और ज्यादा करके दिल्ली वाले में ज्यादा हो रहा है। बाकी गुरु टी में हमारे दो मतलब फ्रेंड थे, उनका चूंकि ग्रुप ई वाले में जिस दिन उनका फिजिकल था उसी दिन उन लोगों का टेट भी हो गया था, लेकिन एक भी बच्चे नहीं छटे थे ग्रुप ई में। ऐसा सर मैं तो आप तो सर जी इतना हो गया सर, आप तो मैं से ये बोलना चाह रहा हूँ सर आपसे सीधा सीधा सर, आप अपने भाइयों को क्या सजेस्ट करना चाहते हो, भाइयों को कुछ सलाह देना चाहोगे सर? आपको पता है सर इसको हजारों लोग अब सुनने वाले हैं, उनसे कि यदि कोई आप कुछ कहना चाहो तो कहिए सर। सर मैं यही कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर वो लोग अपना टेस्ट अगर देने जा रहे हैं तो वो लोग अपना जो अधिकार होता है अपने अधिकार को वो लोग समझें, वहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का हक है उनसे मतलब पूछना, कि अगर आप 10 लोगों में से किसी एक से पूछ के बाकी लोगों को आप बाहर भेज दे रहे हैं तो इसका मतलब तो कोई होता नहीं है। आप सबसे पूछिए ना, जो भी आपको क्वेश्चन करना है तो सबसे करिए, सीधी सीधी बात। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल, आप किसी एक से करके और बाकी लोग को बाहर भेज रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि हमें बस क्या है 100 लोगों में से 4 लोग को मतलब सिलेक्ट करना है, बाकी जो बंदा एक्सपीरियंस होल्डर है उसका कुछ नहीं है सर। ये बात मैं आपकी बहुत लोगों के सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगी सर, ये मेरा कहना है सर, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा आप भी शेयर करना, मैं भी शेयर करूंगा इसको जल्द से जल्द, अपलोडिंग 6 बजे आपको इस चैनल पर मिल जाएगी बहुत ही जल्द से। हाँ और ठीक है सर, और सर आप कुछ और कहना चाहो अपने भाइयों, सीधा सीधा कुछ बिल्कुल कहिए सर, मैं इसको बिल्कुल पूरे जोश जुनून के साथ सभी लोगों में फैलाना चाहता हूँ सर। बाकी सर मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इसमें मतलब इसका जो सिलेक्शन है एक तरीके से अगर वो माने तो लोग कहते हैं कि किस्मत जो होता है ना कि किस्मत पे ही डिपेंड करता है, तो ये वाली जो वैकेंसी है इसका जो सिलेक्शन टेस्ट का होगा वो अपनी किस्मत मान के ही जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं है कि 20 लोगों में से किसी दो का होना है, क्या पता कि किसी एक का नाम हो और या फिर किसी दो का नाम हो, इसमें ये नहीं है कि हमें नॉलेज ज्यादा है तो मेरा सिलेक्शन होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर मान लीजिए जहाँ पे धांधलीबाजी नहीं है वो लोग पहले ही डिसाइड कर ले रहे हैं कि किसको हमें क्या करना है, क्योंकि वहां पे ये तो फिक्स नहीं है कि हमें इस बच्चे को करना है, बस जो सीक्वेंस नंबर मिल गया उसी को उठा दिए बस दो लोगों, और कई कई में तो ये भी हो रहा है कि सबको डिसक्वालीफाई कर दिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ सर बिल्कुल आपका सही कहना बिल्कुल। बाकी सर यहाँ पे मतलब जो भी है बिल्कुल नॉर्मल ही है। हाँ मतलब काम तो सब कुछ नॉर्मल ही है ना सर? क्या सर? जो कुछ भी काम करवाया जा रहा है वो तो सब कुछ नॉर्मल है? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर नॉर्मल है, बिल्कुल एक तरीके से इसको आप वाइवा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब कुछ जैसे जो 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 दिया था इस पे क्या सेफ्टी टैंक या फिर टॉयलेट साफ करना या फिर फर्श धोना ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो क्वेश्चन कर ले रहे हैं, बस वही है उन लोगों के लिए। हाँ मतलब सब कुछ तैयार होके जाना है, मैं तो इसीलिए बच्चों से कहता हूँ कि सारे के सारे आपको देख के जाना है, क्योंकि वो पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते, उनका काम है वो तो। क्योंकि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें इस बात का दुख नहीं है, इसलिए नहीं दुख है क्योंकि जो था मैंने आपको बता दिया। हाँ, क्योंकि दुख तो तब होता ना जब बिल्कुल फेस सिलेक्शन होता। हाँ, बात समझ रहे हैं। तो हमें मतलब दुख नहीं है, लेकिन ये हम मतलब और भी भागी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वो लोग जाए तो ये मान के चले कि अगर मेरा किस्मत है तो होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं किस्मत को ही मानूंगा, क्योंकि जो अपना मतलब जो इंसान अपना कर्म करता है उसके हिसाब से ही उसका मतलब रिस्पांस मिलता है, उसका फल मिलता है, तो वो मैं चीज मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं किस्मत कहूंगा क्योंकि उन लोग का मर्जी, पता नहीं किसको सेलेक्ट कर दें और किसको नहीं करते। आप कुछ लोग को नहीं करते, बस सर यही है और कोई बात नहीं है। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो है आपने अपना जो है कीमती समय हमको दिया, और आपको पता है इसको बहुत लोग सुनने वाले हैं, आपकी ये आवाज़ यदि चाहा तो बहुत दूर तक जाएगी, और आप सभी भाइयों जो को भी सुनने वाला है उन सभी से मेरा निवेदन है कि इसको शेयर जरूर करना, यदि ये सही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है सर, आप भी करना हम भी करेंगे और जितने भी भाई सुन रहे हैं उन लोगों को भी करना है। ओके सर, जहाँ तक सर मेरा है तो मैं तो पूरा कोशिश करूंगा कि इसको शेयर करूं, क्योंकि शेयर अगर नहीं करेंगे तो बाकी जितने भी हमारे दोस्त और भाई लोग हैं वो भी करेंगे सर, का सवाल है ना। बिल्कुल करेंगे सर, हमारा जो कनेक्शन हो गया बिल्कुल करेंगे सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है सर, थैंक यू।